सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वीट्यूब नेटवर्क। फ्लिपकार्ट और अमेजोन के दोनों के यहाँ पे प्राइस रिवील हो चुके हैं। नॉन प्लस और प्राइम मेंबर्स के लिए उतना प्राइस ड्रॉप तो नहीं आया जो कि प्लस और प्राइम मेंबर्स के लिए आया था। अब यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या और वेट करना चाहिए कि उसके ऊपर प्राइस ड्रॉप होगा या फिर अब प्राइस बढ़ते ही जाएंगे। दूसरी तरफ एप्पल ने अनाउंस कर दिया अपनी दिवाली सेल, तो क्या हमें दिवाली सेल के अंदर फोन परचेस करना चाहिए या फिर अभी सेल के अंदर परचेस कर लेना चाहिए। बात करेंगे इन सारी टॉपिक्स के ऊपर, बट उससे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्या प्राइसिंग आई है नॉन प्लस और नॉन प्राइम मेंबर्स के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन की बीबीडी सेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आईफोन 13 की। 53,990 रुपीस का यहाँ पे प्राइस आया आईफोन 13 के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पे सेल में जो फोन आपको मिल रहे हैं वो है आईफोन 12 मिनी और है आईफोन 11 और 13 प्रो मैक्स। अब ये जो प्राइसेस आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद है, आप देखते हैं कि बिना कार्ड डिस्काउंट के हमें यहाँ पे क्या प्राइसिंग पड़ने वाली है। सो आईफोन 13 128 GB वाला वेरिएंट जो है वो आपको पड़ेगा 56,990 रुपए के अंदर बिना किसी कार्ड डिस्काउंट के, और कार्ड डिस्काउंट आपको यहाँ पे लगाने के बाद ये फोन पड़ रहा है 54,990 रुपीज का एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई का कार्ड लगाने के बाद। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे आईफोन 11 पे, जिसका प्राइस भी यहाँ पे बढ़ा है। कल लगभग 27,000-28,000 का पड़ रहा था, बट यहाँ पे आज आपको 64 GB वाला वेरिएंट जो बिना कार्ड डिस्काउंट के पड़ 34,990 रुपए के अंदर, और अगर आप यहाँ पे कार्ड डिस्काउंट लगा लेते हो तब भी आपको यहाँ पे 31,990 का मिलेगा आईफोन 11 64 GB वाला वेरिएंट। 12 मिनी की बात करें तो वो भी 1,000 का यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो चुका है बिना कार्ड डिस्काउंट के, यहाँ पे 37,990 रुपीज का हो चुका है, और कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद मिल रहा है हमें 34,990 रुपीज का। इसके बाद प्रो मॉडल्स के ऊपर भी यहाँ पे अच्छा डिस्काउंट है, बट कल के मुकाबले यहाँ पे 2,000 जो है वो प्राइस बढ़ चुका है, जहाँ पे 13 प्रो मैक्स मिल रहा है आपको 101,990 रुपए का और 13 प्रो मिल रहा है 91,990 रुपीज का कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद। तो फ्लिपकार्ट के ऊपर कल के मुकाबले यहाँ पे प्राइस बढ़े हैं। अमेजोन के ऊपर भी चेक कर लेते हैं। अमेजोन के ऊपर आपको आईफोन 12 की डील मिल रही है, जहाँ पे आपको बिना कार्ड डिस्काउंट लगाए 44,499 रुपीज का मिल रहा है आईफोन 12, जिसके ऊपर आप यहाँ पे कार्ड डिस्काउंट लगा सकते हो, और कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद आपको आईफोन 12 पड़ रहा है 42,499 रुपीज के अंदर। सो कल के मुकाबले प्राइस तो यहाँ पर भी बढ़ चुके हैं, बट स्टिल अ गुड डील। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो आईफोन 12 को। 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, बट यहाँ से परचेज नहीं करना चाहिए, इससे बढ़िया आपको फ्लिपकार्ट से परचेज करना चाहिए। वहां पे आपको 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स की डील ज्यादा अच्छी मिल रही है। बाकी जो लोग यहाँ पे थिंग फोन 1 को परचेस करना चाहते थे फ्लिपकार्ट के ऊपर, वहां पे काफी अच्छी सेल चल रही है, उसके ऊपर आपको कार्ड पर डिस्काउंट लगाने के बाद लगभग 25,999 का पड़ रहा है। बिना कार्ड डिस्काउंट के वैसे आपको ऑलमोस्ट 32,000 का पड़ रहा है, बट यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह जब आप लगा लेते हो कार्ड वार्ड, तब आपको यहाँ पे 25,999 का पड़ रहा है नथिंग फोन 1, जो कि काफी अच्छी डील रहने वाली है नथिंग फोन 1 के लिए। सो अब बात आती है कि आप वेट करना चाहिए या फिर परचेज कर लेना चाहिए जिस भी प्राइस के अंदर हमें यहाँ पे आईफोन मिल रहा है। सो अगर तो आप इस सेल के अंदर ही परचेज करना चाहते हो तो आपको इससे बेस्ट प्राइस नहीं मिलेगा, धीरे धीरे प्राइस जो है वो बढ़ता ही जाएगा। इवन यहाँ पे आईफोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकते हैं काफी सारे। इसके अलावा जो भी आपको नेक्स्ट सेल के अंदर दिवाली के ऊपर भी यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिलेंगे वो भी इतने नहीं होंगे। ये सेल साल की सबसे बड़ी सेल होती है और इतने यहाँ पे प्राइस ड्रॉप आपको नहीं देखने को मिलेंगे पूरे साल। और आप जहाँ पे बात करते हो कि एप्पल की दिवाली सेल आ रही है वहां पे परचेस करना चाहिए, तो वहां पे ऐसे चांसेस है कि आईफोन 12 और आईफोन 13 के ऊपर आपको डील मिलेगी। और वो डील क्या होती है, पिछले 2 साल से तो वहां पे एयरपोर्ट्स हैं वो फ्री मिल रहे हैं, इस साल भी ज्यादा चांसेस वही है कि आपको एयरपोर्ट सेकंड जनरेशन ही वहां पे फ्री मिलेंगे। चांसेस वैसे ये भी है कि प्राइस ड्रॉप आपको वहां पे देखने को मिल सकता है या कार्ड वर्ड के ऊपर आपको ज्यादा अच्छे डिस्काउंट मिल सकते हैं। 26 सितंबर को हमें पता चल जाएगा कि वहां पे क्या प्राइसेस आने वाले हैं। अगर आप तब तक नहीं रुकना चाहते तो सबसे बेस्ट यही होगा कि आप अभी यहाँ पे आईफोन को परचेस कर लो, अगर आपका प्लान था आईफोन को परचेस करने का, क्योंकि इससे बेस्ट प्राइस आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। खासकर आईफोन 13 अभी भी यहाँ पे काफी अच्छी डील है। तो जो भी अपडेट होगा एप्पल की दिवाली सेल में या इन सेल के अंदर कोई प्राइस अपडेट होता है तो सबसे पहले आपको न्यूज मिलती रहेगी यूट्यूब नेटवर्क पर। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी किसी कंटेंट के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।